एकदम ठंडा वेदर, एकदम ठंड भाई ठंडा। अभी गुड मॉर्निंग सभी को, फाइनली हम लोग अभी उठे, 8 बज गए, 8 बजे निकलना था तो सब रेडी हो रही है। अभी शाहनवाज भाई तो रेडी है, या भाई रेडी है, और हंजाला भाई नहाने गए अभी, जो बोलते 2 मिनट में निकलेंगे बट अभी तक निकले नहीं। हाँ, एज ऑलवेज लेट। अभी 2 मिनट में निकलने को बोला मैं आपको, अभी लिटरली 5 मिनट हो गए उसको निकलने गए हुए अंदर। राजेश वहाँ पे चिल्ला रहे क्योंकि उसको उसकी बंजी नहीं मिल रही। हर्ष भाई अभी अंदर अपने स्लो मोशन फेस वॉश ढूंढ रहे, हर्ष भाई पता नहीं अलग ही कुछ कर रहे। तो बैग टांग नहीं, अभी सब सामान हमारा यही है। शाहनवाज भाई तो फुल सेट ही थे कल से, सब पैकिंग वैकिंग करके बस इनको तो लटका के टप टप निकल जाना। अभी हम लोग निकलने के लिए रेडी हुए हैं और यहाँ पे ये देखो, यहाँ भाई अपने स्कूटर पे बैग टंगा रहे, इनका बैग तो हो गया, ये हर्ष भाई अपनी बैग टंगा रहे, अंजला भाई पता नहीं कुछ काम से गए, इधर आर भी पता नहीं अपनी। तो भाई लोग अभी हम लोग यहाँ से निकलने वाले हैं, सारी पैकिंग वैकिंग डन है, थोड़ी चाय वाय पी ली हमने, अब बस खाली सीधा हाईवे टच करना है हमको। शाम को 7 बजे तक बता रहा है मैप पे कि हम लोग पहुंच जाएंगे, हो सकता है उससे लेट भी हो, सकता है उससे जल्दी भी हो, देखते हैं, डिपेंड्स ऑन द ट्रैफिक। अंकलेश्वर से बोल रहे हैं अंदर से जाने को ताकि ट्रैफिक थोड़ा कम ना हो, तो लेट्स सी अभी क्या प्लानिंग होती है। मैं तो रेडी हूँ भाई, सीधा बस गे शिफ्ट करूँगा, निकल लेगा हम लोग। मेरे को ससुराल डे लगते हैं कि मेरा व्लॉगिंग सेटअप करना पड़ता है मेरे को भाई। अभी हम लोग निकल पड़े हैं उदयपुर को गुड बाय बोलते हुए, दिस वॉज द लास्ट मॉर्निंग, फाइनली वी आर गोइंग टू गो होम। मजा आ गया भाई उदयपुर में, बहुत अच्छा था भाई सिटी, सही में वर्थ इट, आओ यार मजा आएगा। और स्पेशल अगर तुम लाइक लेक्स एंड नेचर बहुत पसंद है तुमको तो डेफिनेटली आओ। ट्रैफिक तो अच्छा है भाई, ठीक है, सुबह इतना ज़्यादा भी नहीं है। एनीवेज भाई देखो, हम लोग जो होटल में रुके थे, होटल तो इतनी अच्छी नहीं थी, 1500 में, मतलब होटल ठीक है, उदयपुर थोड़ा एक्सपेंसिव तो है, बट बाकी घूमने की जगह बहुत अच्छी है, खाने के अलावा घूमने की जगह मुझे तो बहुत अच्छी लगी। एंड भाई गाड़ियों ने भी हमारा बहुत अच्छा साथ दिया है भाई, बाइक्स ने, हमको लगा भाई होगा नहीं होगा बट ठीक है, हो गया फाइनली। एंड कुंभलगढ़ जाके आए तो बहुत ही मज़ा है हमको, बहुत ही लाइक थ्रिलिंग था वो, ऊपर चढ़ान और फिर नीचे ढलान पूरी की पूरी, इतनी थ्रिलिंग थी ना, बिकॉज इट वॉज टेस्टिंग यू, एवरी थिंग वी डिड हियर वॉज टेस्टिंग यू। कुंभलगढ़ हो, फतेह सागर तो हम लोग रिक्शा में गए थे, चलो वो तो कुछ नहीं था, बाकी इट वॉज ऑल गुड यार, मजा आ गया हमको सही में बहुत ज्यादा। एनी वेज अब जाएंगे हम लोग, वी आर गोइंग टू से गुड बाय टू दिस सिटी। अब डायरेक्टली मैं आप लोग को हाईवे पे थोड़ा बहुत दिखाऊंगा, अगर कुछ हुआ तो शायद मेरे को निंजा चलाने मिले, और अगर मिलती है तो मैं उसको चलाऊंगा। आई थिंक इसके निंजा का ब्रेकिंग थोड़ा अजीब है, इसलिए मैं खुद थोड़ा डर रहा हूँ सिटी में चलाने को, तो मैंने बोला आप हाईवे पे आओ तभी मेरे को देना। बट भाई देखो ये ब्यूटीफुल सिटी है, सामने देखो माउंटेन, पूरा माउंटेन एरिया सिटी के बीच में से, और ठंडी हवा भी है मस्त, आई गेस ज्यादा स्वेटिंग भी नहीं होगी हाईवे पे, तो और थोड़ी ठंडी हवा होगी। वेदर अच्छा है यार, वेदर बहुत अच्छा लगा हमको भाई। अभी हम लोग निंजा चलाने वाले हैं फाइनली, निंजा 300। हर्ष भाई की भाई ये बहुत पावरफुल बाइक है भाई, इन्होंने ओरिजिनल एग्जॉस्ट भी लगाया हुआ है, योसोमोरा एग्जॉस्ट चलाने की। इसका रखा, बस साउंड सुनाओ आपका कितनी कंफर्टेबल है भाई, क्या पावर है इसके अंदर भाई, इसकी ब्रेकिंग तो है नहीं इसके पीछे की ब्रेक तो है ही नहीं, मैंने इसने थोड़ा टाइम के लिए नहीं, क्योंकि इसके पीछे जितनी पावरफुल बाइक होती है ना, मैंने नोटिस किया उसके ब्रेक्स ज़्यादा नहीं होती है अच्छी, आगे की ब्रेक होती है, आगे की ब्रेक बहुत पावरफुल होती है, बट पीछे की ब्रेक इतनी ज़्यादा नहीं होती भाई। लेकिन मस्त है यार, पावर बहुत मस्त है, आई एम फीलिंग दैट दैट साउंड, आई डोंट नो हाउ मच माइक इज रिकॉर्डिंग द साउंड राइट नाउ। क्या हुआ भाई, कैसे समझाओ, ऐसे मस्त फील हुआ था ड्रूम आगे ऐसे तो होते होंगे क्या है तुमको, इतने तक चलाए जी, मैं बस साउंड सुना था आप लोग को भाई, वापस एक बार आप लोग को वापस साउंड सुनाऊंगा। ये देखो बहुत पावरफुल है भाई, आपको सैडल बैग के पीछे दिख नहीं रहा होगा बट बहुत मस्त, वो बहुत कंफर्टेबल बाइक है, मज़ा आ गया लेकिन चला के इसको, सही में सुपर बाइक है यार, इन्होंने बहुत सही मॉडिफाई किया, एक कोई मॉडिफिकेशन कोई सही से किया हो तो यही लगी है मेरे को अभी तक तो मैंने चलाई है जितने भी, क्योंकि इसमें ज़रा भी मेरे को ऐसा अंडर पावर्ड फील नहीं हुआ कि ओवर पावर्ड फील नहीं हुआ, एकदम सही बाइक है। Sitting,
At the same old workplace, what's the point of this chase? To just bite our old tail. तो वेल हेलो गाइज, ये अभी यहाँ पे मैंने क्लिप एंड कर दी. इट्स एन ऑकवर्ड एंडिंग बट आई हैड टू बिकॉज द सीन वॉज के इसके बाद की जो क्लिप्स है ओनली एंड ओनली हाईवे की है एंड आप लोग खाली पीली बोर हो जाओगे इसको देख के बिकॉज देर वॉज नथिंग मच टू एक्चुअली शो इन दैट. सो बेसिकली ये उदयपुर की सीरीज थी एंड आई रियली वॉन्टेड कि इसको एंड कर रहे टाइम मैं आप लोग से मिलूँ एंड इंटरेक्ट करूँ इस चीज़ के बारे में, एक्सपीरियंस मेरा लाइव शेयर करूँ आफ्टर रीचिंग होम एंड वाइल एडिटिंग दिस. मैं अभी बस ये एडिट कर रहा था एंड दिस इज गोइंग टू बी द लास्ट क्लिप. सो द थिंग वॉज कि अभी सीन ये है कि थोड़ा कॉलेज स्टार्ट हो गई है तो इट वॉज अ बिट रफ. ठीक है, थोड़ा एडिट मेरा स्लो हो गया बट आई एम ट्राइंग टू रीच एज मच एज पॉसिबल एंड आई होप आप लोग को जो पहले के तीन पार्ट्स है जो उदयपुर के टूरिंग कुंभलगढ़ ये सब की आपकी जो पार्ट्स थी वो आपको अच्छे लगे हो. एंड अगर आप लोग ने अभी नहीं देखे और आपको ये पार्ट पहले यूट्यूब रिकमेंड कर देता है तो प्लीज़ पहले जाके उसको देखना. मैं उसके लिंक ऊपर यहाँ पे डाल दूंगा, प्लीज़ गो एंड डू वॉच दैट. ठीक है, आप लोग का सपोर्ट बहुत मैटर करता है. एंड एनीवेज जो हमारा पहले तो मैं आपको बेसिक बता दूँ कि ट्रिप तो काफ़ी अच्छी थी, मज़ा आ गया एंड जेन्युइनली स्पीकिंग के फ्रेंड्स के साथ गए थे तो बहुत ही मज़ा आया. एंड दूसरा थिंग ये था कि बाइक्स ने भी बहुत साथ दिया एंड अबाउट आई थिंक 4,000 to 5,000 का पेट्रोल गया मेरी R15 में एंड बाकी अगर हैवी बाइक्स ले जाओगे तो ऑब्वियसली ज़्यादा जाएगा. तो दैट्स द थिंग. एंड रहने का अच्छा था, ठीक था, इट वॉज नॉट दैट मच लाइक हॉरिबल बट इट वॉज अ बिट एक्सपेंसिव. एंड खाने का मैंने एज बोला था व्लॉग में भी कि इट वॉज ओके. ठीक है, इट वॉज इन लिविंग इन गुजरात मेरे को ऐसा लगा था कि थोड़ा चेंज एकदम मेरे को नहीं जमा बट it is okay, it is something you can eat. Okay, something is better than nothing. So I hope you guys do enjoy the vlog and this is going to be the final part. This is going to be the end of the Rajasthan series. So I hope you guys enjoyed it. Please do watch the first three parts so you can actually know what's going on here. So that will be amazing and part 2 and part 3 to aapko definitely dekhna chahiye, bahut hi acha hai wo to. And abhi thodi long rides abhi meri thodi kam hogi but there will be one day rides and a lot of new stuff I will try to come up and we will surely meet you guys in the next vlog as soon as पॉसिबल. तो अभी आप लोगों का चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, पुरानी वीडियोस को भी जाओ देखो, लाइक करो, ठीक है, उन पे कमेंट मारो व्हाट आर योर ओपिनियंस. ठीक है, और मैं आप लोग से अभी नेक्स्ट व्लॉग में मिलूंगा. अभी के लिए चलो बाय बाय, टेक केयर, राइड हार्ड बट राइड सेफ.